ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन और प्रभाव पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विपुल अग्रवाल से भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता रेनू कटारिया। डॉक्टर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो विश्व की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर सी भी देश में चालू की गई योजना, जिसमें करीब 50 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं और देश की 40% बॉटम पॉपुलेशन इसमें हम लोगों ने इंक्लूड की हुई है। इसमें जितने परिवार हैं, करीब 10 करोड़ 74 लाख परिवार, उन परिवारों को साल की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का इसमें कवर मुफ्त मिलता है। और एक फैमिली फ्लोटर बेस्ड स्कीम है, परिवार में एक व्यक्ति या परिवार के सब व्यक्ति मिलकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसमें सभी प्रकार की सेकेंडरी और टर्शरी जो हॉस्पिटल हम लोग इन पेशेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं, लगभग तमाम प्रकार की बीमारियों का इलाज इसमें फ्री है। इसमें अलग अलग पैकेज हैं जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज दे रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कौन और कैसे इलाज करा सकता है? ये एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है। इसका मतलब यह है कि जो 2011 में एक हमारा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसमें कुछ लोगों को इसमें चिन्हित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जिनका 5 लाख से कम का इसमें डेप्रिवेशन क्राइटेरिया है, या फिर ऑक्यूपेशनल जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहरी विस्तार है उसके ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया उनके इसमें फिक्स किए गए हैं। तो जो लाभार्थी हैं वो पहले से इसमें फिक्स्ड हैं। जो कोई लाभार्थी है तो वो अपना हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 14555 या पीएमजे की वेबसाइट है उसमें अपना नाम वो देख सकते हैं। और जो इसके लाभार्थी को इसमें योजना का लाभ लेना हो वो अपने निकटतम सीएचसी कॉमन सर्विसेज सेंटर या फिर किसी भी पीएमजे के जो 22,000 से ज्यादा अस्पताल हैं उस अस्पताल में भी जाकर वो अपना ई कार्ड बनवा सकते हैं। ई कार्ड की प्रक्रिया बहुत सरल है, उसमें एक उनको अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और एक फैमिली आइडेंटिफायर कार्ड देना होगा, जैसे राशन कार्ड या आधार कार्ड वो अपना दे के ई कार्ड के लिए अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। और 6 से 8 घंटे में ई कार्ड अगर वो हॉस्पिटल में गए हैं तो इतनी जल्दी हम लोग ई कार्ड की सुविधा प्रदान करते हैं और ई कार्ड बनते ही वो इसका लाभ योजना का ले सकते हैं। आपने बताया अभी इस योजना के अंतर्गत ई कार्ड बनाया जा सकता है, किंतु ये ई कार्ड बनाने में समय कितना लगता है? नॉर्मल जो प्रोसेस है ये हम लोग 6 घंटे से लेकर और करीब 1 वीक तक लगता है। जैसे अगर किसी को अर्जेंट ट्रीटमेंट ना लेनी हो, केवल ई कार्ड बनाना हो, तो नॉर्मल प्रोसेस जो हमारा है वो मैक्सिमम 6 से 7 दिन लेता है। और अगर किसी को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेनी है, कोई बीमार है और हॉस्पिटल में आ गया है और उसके पास ई कार्ड नहीं है, तो भी अगर वो लाभार्थी है तो उस समय वो बता सकते हैं कि मैं इस योजना का लाभार्थी हूँ और अपना पर्सनल और फैमिली आइडेंटिफायर वहाँ पर जो हमारे पीएमए हैं, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र हम बोलते हैं, जो हर हॉस्पिटल जो हमारे साथ जुड़े हैं उसमें एक व्यक्ति को पीएमएम की तरह से हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, तो वो वहाँ पर उनको हेल्प डेस्क में रजिस्टर करके 4 से 6 घंटे के अंदर ही उनका ई कार्ड बन के आ जाता है, तो उनकी ट्रीटमेंट त्वरित शुरू हो सकती है, उसमें समय नहीं लगता। तो क्या इस योजना के तहत कैंसर, दिल से जुड़ी बीमारियों जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज भी होता है? जी, हमारी लगभग 872 जितनी अलग अलग पैकेज हैं, जिसमें 1500 जितने प्रोसीजर हैं। इसमें लगभग तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियां इसमें हम कवर कर रहे हैं। उसमें कैंसर की भी बहुत सारी ट्रीटमेंट पैकेजेस उपलब्ध हैं, उसमें हृदय रोग की तो लगभग तमाम प्रकार का इलाज हम लोग दे रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी से लेके सब कुछ इसमें हम जो सोच सकते हैं उतनी लगभग तमाम बीमारियां सेकेंडरी और टर्शरी केयर की हम लोगों ने इसमें कवर की हैं। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो एक आम आदमी यही सोचेगा कि मुफ्त उपचार कहाँ लिया जा सकता है, कितने अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल को कैसे खोजें? आज के तारीख में 22,700 से ज्यादा अस्पताल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें करीब 11,000 तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इस सरकार की अकेली योजना है जिसमें अपनी बड़ी संख्या में किसी भी देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कंट्रीब्यूशन हो। अगर किसी लाभार्थी को पीएमजे के हॉस्पिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी हेल्पलाइन है 14555 टोल फ्री नंबर है, उस पर कोई भी कॉल कर सकते हैं और हमारी पीएमजे वेबसाइट के ऊपर भी हमारे हॉस्पिटल्स की सूची उपलब्ध है, तो उसमें जान सकते हैं। और हमारी पीएमजे मोबाइल ऐप है, उसमें भी हम लोग जियो गूगल मैप सुविधा कुछ ही समय में प्रोवाइड करने वाले हैं। आज अगर किसी लाभार्थी को ये जानना है कि उनके आसपास कितने हॉस्पिटल इसमें सूचीबद्ध हैं, वो फोन करके या वेबसाइट के माध्यम से इस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं।
इस योजना को लॉन्च हुए अब तक 18 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो अब तक इस योजना की प्रगति कैसे हुई है? शुरू से अब तक आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर विस्तृत जानकारी दे सकें। ये योजना 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तब से अब तक हम लोगों ने इसमें बहुत प्रगति की है। इस योजना के तहत अब तक 1,10,00,000 लाभार्थियों को हमने मुफ्त ट्रीटमेंट दी है और करीब 14,000 करोड़ रुपए का इसमें अभी तक खर्च हुआ है ट्रीटमेंट में, और करीब हम लोगों ने 12.5 करोड़ ई कार्ड अभी तक जनरेट किए हैं। जो टोटल लाभार्थी हैं उसमें से लगभग 25% से ज्यादा लाभार्थियों ने अभी तक ई कार्ड निकाल के इस योजना का लाभ लिया है। प्रगति खूब अच्छी है और अभी COVID-19 का जो पिछले 3 महीने में हमने देखा उसके पहले जिस गति से वो चल रहा है, तो लगभग हर साल अगर आगे वो गति मेंटेन रहती है तो हम लोग एक साल में लगभग 1 करोड़ जितने लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दे पाएंगे आने वाले समय में। क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय के तहत COVID-19 का परीक्षण और उपचार उपलब्ध है? हाँ, जब फरवरी में COVID-19 का पैंडेमिक सबके सामने आया तो हम लोगों ने अर्ली मार्च में COVID-19 की ट्रीटमेंट और टेस्टिंग की पैकेजेस इसमें जारी की थी। पहले से ही जो COVID-19 जो है वो रेस्पिरेटरी इलनेसेस के रूप में अपने को दिखाता है, तो वो रेस्पिरेटरी इलनेसेस जिसमें की सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI की ट्रीटमेंट पैकेजेस पहले से ही हमारे पैकेजेस में थी, लेकिन COVID-19 के लिए हम लोगों ने राज्य सरकारों को फ्लेक्सिबिलिटी दी क्योंकि इसमें कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, लाइक मास्क PPE किट्स वगैरह का, और कुछ हॉस्पिटल्स को COVID-19 की वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से कोविड ओनली हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में कुछ एडिशनल खर्च आते हैं, तो उन सबको ध्यान में रख के हमने राज्य सरकारों को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी पैकेजेस के रेट निर्धारित कर सकते हैं। तो लगभग सभी राज्य सरकारों ने जो हमने ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ से इशू किया था उसके अकॉर्डिंग हर राज्य ने अपने अपने COVID-19 के पैकेजेस डिक्लेयर किए हैं, और एक जो पेंडेमिक जिस तरह से अभी लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा सा इन्फेक्शन और कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो थोड़ा सा हम लोग आने वाले समय में देख रहे हैं कि शायद कुछ केसेस में थोड़ा बढ़ोतरी हो सकती है, तो उस सब के लिए तैयारी के लिए हम लोगों ने प्राइवेट अपने साथ जुड़े हुए सभी हॉस्पिटल्स को इसके लिए रेडी रखा है। डॉक्टर, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने COVID-19 की प्रतिक्रिया के लिए कौन सी अन्य पहल की है? फरवरी के एंड में जब इसके सिचुएशन को रियल हम लोगों ने सामना किया उस समय करीब 20,000 अस्पताल हमारे साथ जुड़े थे। पिछले 2-3 महीने में लगभग 2,500 जितने नए हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़े हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या कही जा सकती है क्योंकि इस समय में देश के लगभग 50% हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स भी नहीं आ रहे थे और काफी सारे हॉस्पिटल बंद थे इन्फेक्शन की वजह से, तो एक बहुत बड़ी संख्या में हॉस्पिटल हमने प्रोएक्टिव अप्रोच से जोड़े हैं। इसके साथ साथ COVID-19 के लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन जो भारत सरकार की आरोग्य परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, हमारे करीब 700 जितने कॉल सेंटर ऑपरेटिव्स हैं 3 शहरों में, उनके माध्यम से हम वो चला रहे हैं, तो लगभग 60-70 लाख हम लोगों ने कॉल्स इसमें अटेंड करी हैं। इसके साथ साथ हम लोग एडवाइजरीज दे रहे हैं, हम लोग आरोग्य सेतु को भी सपोर्ट कर रहे हैं और ICMR का जो डेटा है उसके ऊपर भी हमारी टीम्स काम कर रही हैं, तो हम लोग डेली जो एनालिसिस दे रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट एक हमारी एनालिटिक यूनिट है जो कि इन सारे स्टैट्स को एनालाइज करके और हम लोग पॉलिसी लेवल पे भी इसमें निर्णय हो पाए उसके लिए हम एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी जनरेट कर रहे हैं। जो सरकार का प्रयास है उसमें हम अपनी तरफ से जितना हो सके उतना अपने कॉन्ट्रीब्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया कि आपका कॉल सेंटर नंबर है 14555, तो लाभार्थियों से सवाल पूछने और योजना पर प्रतिक्रिया साझा करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? अगर किसी लाभार्थी को इसके बारे में कुछ भी जानना है तो हमारा एक ग्रीवांस का भी मैकेनिज्म है, हम लोगों को वो PMJ मोबाइल ऐप के ऊपर भी अपनी कोई भी प्रतिक्रिया है वो दे सकते हैं, और हमारा जो कॉल सेंटर्स हैं जो हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली में चल रहे हैं वहां पर सेंटर के माध्यम से 14555 पर फोन करके किसी भी लाभार्थी को किसी भी तरह की ट्रीटमेंट से संबंधित कोई तकलीफ हो या कोविड रिलेटेड उनकी कोई तकलीफ हो जो 1075 की हेल्पलाइन पे भी आ सकती है, तो हम लोग राज्य सरकारों के कॉल सेंटर्स के साथ अपने को रियल टाइम में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, और जितना हम लोगों के लेवल पे एक्शन लेना होता है कहीं पर किसी हॉस्पिटल की तरफ से कुछ पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट में कुछ गलती हुई हो या उनकी कोई और सुझाव हो तो उस समय हम लोग राज्यों के साथ साझा करते हैं, और हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी किसी का रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, उसके ऊपर हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग करें, और एक पूरा मैट्रिक्स है कि राज्य सरकार से ऊपर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और नीचे जिले, तो तीनों लेवल पे एक हम लोगों ने 3-level 3-tier अरेंजमेंट रखी है ग्रीवांस रिड्रेसल की, तो जो भी सुझाव या जो भी कंप्लेंट आती है उसके ऊपर बहुत फास्ट एक्शन की हमने एक प्रक्रिया बनाई हुई है। इस समय हम सबसे ज्यादा बात करते हैं प्रवासी श्रमिकों की, तो प्रवासी श्रमिकों को सक्षम करने के लिए आयुष्मान भारत क्या कर रहा है?
इसमें 3-prong स्ट्रेटेजी है हमारी तरफ से। एक जो प्रवासी इस कोविड के कारण अपने शहरों में अपने गांव में वापस आए उसको टैकल करने के लिए पीएमजे की एक बहुत बड़ी जो खासियत है वो है इसकी पोर्टेबिलिटी फीचर। हमारी योजना का लाभार्थी ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल वो गुजरात में काम कर रहा है और बिहार में उसका घर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहीं भी हुआ हो वो पूरे कंट्री के 22,000 से ज्यादा जो हॉस्पिटल है कहीं भी वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हम लोग आईसी के माध्यम से हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग सशक्त आईसी विंग है तो हम लोग पूरी देश में इसके बारे में लोगों को अलग अलग सूचना प्रसारण के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं कि आप लोग इस योजना का लाभ किसी भी हॉस्पिटल में लें, हमारे साथ जुड़े हुए किसी भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं जो कि प्रवासियों के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम दे सकता है। दूसरा, हम लोगों ने डिजी लॉकर की भी फैसिलिटी अभी पिछले महीने जारी की तो अपना जो हेल्थ कार्ड रिलेटेड डेटा है क्योंकि प्रवासी जो उनके पास उनके रिकॉर्ड्स हैं और उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करने की भी उनको जरूरत नहीं है तो डिजी लॉकर के माध्यम से वो अपने ई कार्ड्स को भी स्टोर कर सकते हैं, ये सुविधा भी हमने शुरू की है। और तीसरा, हमारी आईसी एक्टिविटीज को हम अलग से भी जहां पर प्रवासियों का अभी माइग्रेशन नहीं हुआ है तो हम लोग फैक्ट्री वर्कर्स और उन सबको हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं जिससे कि उनको इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं इस पूरी मुहिम को चलाने के लिए। आयुष्मान भारत कैसे देश में लैंगिक समानता लाने में मदद कर रहा है? इसमें पिछले 1.5 साल में हमने लगभग 1,10,00,000 जितने लोगों को ट्रीट किया उसमें लगभग 49% महिलाएं हैं और महिलाओं से संबंधित लगभग तमाम गंभीर बीमारियां इसमें कवर हो रही हैं। और हम लोग बहुत हर्ष के साथ कह सकते हैं कि इस योजना का लाभ महिलाओं ने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है और आने वाले समय भी हमारा यही प्रयास है कि इसमें कहीं भी किसी भेदभाव के बिना सब लोग ट्रीटमेंट करा सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभी वेबिनार भी हम लोग का कुछ समय में है तो हम लोग इस तरह से उनको भी अवेयरनेस के माध्यम से भी हम लोग ये अवगत कराते हैं कि इस महिलाओं संबंधित सारी ट्रीटमेंट्स इस योजना में हमारे पास हैं। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने इसका भरपूर उपयोग किया है और लगभग उनका लाभ उतना ही रहा है जितना मेल्स ने इस ट्रीटमेंट का लाभ लिया। आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत उपलब्ध कोविड पैकेज कोविड-19 प्रतिक्रिया में कैसे उपयोगी होंगे? आज के समय में भी कोविड के लिए धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य की जो संस्थाएं हैं वो तैयार हो रही हैं। जब मार्च में हम लोगों ने लॉकडाउन किया उस समय केसेस कम थे और धीरे धीरे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उसी तरह से और स्ट्रांग होती जा रही हैं और राज्य और केंद्र उसमें संयुक्त प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो स्ट्रांग पॉइंट है पीएमजे का कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक नेटवर्क है तो अभी तक जो कोविड की ट्रीटमेंट पिछले समय में रही वो अधिकतर सरकारी संस्थानों में रही लेकिन आने वाले समय में शायद हमको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग और करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तैयार करना जरूरी रहेगा। तो पीएमजे ने अपने हॉस्पिटल्स को ये ट्रीटमेंट पैकेजेस देकर एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम एक बैकअप अरेंजमेंट तैयार की है कि फ्यूचर में आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एडिशनल कैपेसिटीज प्रोवाइड कर पाएंगे जिससे कि हमारे लाभार्थी हैं गांव के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर और अपने निकटतम हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करा सकेंगे। और कोविड-19 का जिस तरह से देश में इस समय क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा रिलीज हुआ है और स्वाभाविक है कि थोड़े केसेस बढ़ेंगे तो बैकअप सिस्टम पूरे तैयार करके हम बैठे हैं। डॉक्टर, योजना के अंतर्गत आने वाले 1,50,00,000 लाभार्थियों पे अब तक 14,000 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उनके लिए शुरू की गई है? जो स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है राज्य सरकारों का इसमें प्रयास भी उतना ही महत्व का है जितना केंद्र का है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उसमें राज्य सरकारों को भी हम लोग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि वो आईसी एक्टिविटीज में हमारे साथ चले। हमारी तरफ से एनएचए की तरफ से हमारे साथ जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से हम लोग गांव-गांव में हॉस्पिटल्स में आईसी की एक्टिविटीज करते हैं और जो गांव की जनता है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि उनके आसपास कितने हॉस्पिटल्स हैं और जो मीडिया है प्रिंट मीडिया टेलीकास्ट मीडिया और रेडियो के माध्यम से गांव-गांव तक ये खबर पहुंचे कि अभी सरकार की तरफ से ऐसी एक योजना है जिसका लाभ वो लोग ले सकते हैं। और मैं मानता हूं कि 1.5 साल में अगर 25% गरीब लोगों ने इसका एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन हो गई है कार्ड बन गए हैं तो आने वाले समय में हम बहुत ही जल्दी लगभग तमाम लाभार्थियों को इसमें कवर कर पाएंगे। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन और प्रभाव पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपुल अग्रवाल से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी आकाशवाणी संवाददाता रेणु कटारिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।